नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, आज जो भारत में लहसुन इंपोर्ट किया जाता है ईरान का, उसके संबंध में बात करेंगे। तो दोस्तों, ईरान का जो लहसुन है, वहाँ पर जो अलीबाबा ईरान में सक्रिय जो कंपनी है, वो लहसुन का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करता है। तो हर साल घरेलू और विदेशी बाजार में बेचता है। ईरानी लहसुन एक प्रसिद्ध और गुणवत्ता वाला उत्पाद है और बिक्री के लिए एक अच्छा बाजार भी है दोस्तों। तो विक्रेता और उत्पादों के लिए अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो लहसुन जो ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है, और लहसुन कंद के आकार का होता है, और इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिमी एशिया में की जाती है। वास्तव में यह उन क्षेत्रों के देशी पौधों में से एक है, और मूल क्षेत्र से यूरोप और अमेरिका सहित अन्य क्षेत्रों में चला गया है। ईरान में वसंत और गर्मियों में जब पौधा स्वाभाविक रूप से अपना विकास पूरा कर लेता है, तो कटाई शुरू हो जाती है दोस्तों। तो भारत जैसे देशों में लहसुन प्याज द्वारा इसे निर्यात किया जाता है, और लहसुन लगाने का एक तरीका इनका प्याज का उपयोग करना। इस विधि में लहसुन रोपण के लगभग 120 दिन बाद बढ़ता है और इसे काटा जा सकता है। तो ये बड़े कंद लहसुन की कटाई करते हैं और इसे उत्पाद के रूप में अलग करते हैं, लेकिन वे छोटे छोटे कंदों को बरकरार रखते हैं और भविष्य में लहसुन के बीज के रूप में रोपण के लिए उनका पुनः उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ईरान का जो लहसुन है, वो काफ़ी बेस्ट सुपर क्वालिटी का लहसुन है दोस्तों। और भारत में अभी जो आज़ादपुर मंडी है दिल्ली की, वहाँ पर इसका आयात किया जा रहा है, और अन्य जो भारत के कई क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लहसुन आयात होने लगा है। तो भारत में जो ईरान का लहसुन है दोस्तों, वो बढ़िया क्वालिटी का है, और 5 mm का लहसुन है। तो आखिर में लहसुन ईरान का जो है भारत में पहुंच रहा है, ये बात सत्य है। बहुत सारे किसानों ने हमें कमेंट्स करके पूछा है कि क्या ये बात सही है कि ईरान से लहसुन भारत में आयात किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने हमारे वहाँ के जो एक फ्रेंड हैं, उनसे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप से उनसे बात हुई है दोस्तों। तो उन्होंने हमें बताया है, और इसके साथ ही ईरान का लहसुन अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, जिसमें तुर्की, रूस, ओमान, खाड़ी के राज्यों, लहसुन का वहाँ पर भी निर्यात किया जाता है। तो ईरान जो है दोस्तों, वहाँ के लहसुन की जो मैं प्राइस आपको बताऊँ, तो 0.08 डॉलर, यानी कि इसको इंडियन राशि में अगर कन्वर्ट करें तो 59 रुपये हो रहे हैं। बट लेकिन वहाँ पर जो ईरान में जो अभी वर्तमान समय में जो भाव चल रहा है, वहाँ की रियाल एक जो अपने जिस प्रकार से रुपये चलते हैं, तो वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो रियाल मुद्रा चलती है। और रियाल मुद्रा में दोस्तों, अपने जो इंडियन करेंसी है, उसके जो 1 रुपये के बदले अपने को काफ़ी जो रियाल मिलते हैं बहुत सारे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 रुपया अगर ईरान में देते हैं, तो उसके बदले में आपको रियाल जो मिलेंगे वो 567.52 मिलेंगे। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों डेली, लेकिन 567.52 रुपये आपको ये रियाल में मिलेंगे दोस्तों। 1 रुपया अगर आप इंडियन करेंसी का देते हैं तो इतना मिलता है। अब मैं ईरान के लहसुन के भाव की बात करूं दोस्तों, तो अभी जो वर्तमान समय में वहाँ का जो लहसुन ईरान के मार्केट में बिक रहा है, वो 22,000 रियाल प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का भाव 22,000 रियाल है दोस्तों। अगर 22,000 रियाल का अपन इंडिया में अगर कन्वर्ट करें दोस्तों, तो 22,000 अगर 100 रुपये अगर अपन इंडियन के देते हैं, तो अपने को 56,875 रुपये वहाँ के मिलते हैं दोस्तों। तो ये वहाँ की जो रियाल एक मुद्रा है, वहाँ पर जो चलती है, उसके हिसाब से भाव अभी अपने जो इंडिया के जो इंपोर्टर हैं, जो लहसुन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी सस्ता लहसुन वहाँ से मिल रहा है, क्योंकि रियाल की जो मुद्रा है और इंडियन मुद्रा में काफ़ी डिफरेंस है। 1 रुपये के मुकाबले अपने को 567 रुपये मिलते हैं दोस्तों। तो अपने जो इंडिया के व्यापारी हैं, उसको जो वहाँ की गार्लिक हैं,
वो 39 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हैं। 39 से 40 रुपये में 5 mm का बेस्ट क्वालिटी का गार्लिक इनको मिल जाता है। यानी कि ये जो लहसुन ईरान का लहसुन इंडिया में जो व्यापारियों को पड़ रहा है वो 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये हो गया 4000 रुपये से लगा करके 4500 रुपये प्रति क्विंटल भाव से इंडिया के व्यापारियों को ईरान का लहसुन पड़ रहा है दोस्तों। तो ईरान से उनको लहसुन सस्ती रेट में पड़ रहा है और फिर अच्छी क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का सुपर माल आ रहा है, तो फिर वो व्यापारी क्यों नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो वो अपना बिजनेस करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो है छलावा किसानों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, इस प्रकार से नहीं होता है। इसलिए ही इंडिया इसी जगह मात खा जाता है कि भाई जब इंडिया में ही विश्व में दूसरे नंबर पर लहसुन उत्पादन देश है तो फिर क्यों जो ईरान से लहसुन का आयात किया जा रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैंने ट्विटर पर हैशटैग ट्विटर अभियान भी चलाया है और रीट्वीट भी कर सकते हैं आप, तो मैं आपको इसमें वीडियो में वो ट्विटर का दे दूँगा ऑप्शन आपको लिंक, तो उसमें आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ट्विटर ओपन हो जाएगा और उस ट्विटर में आपको केवल रीट्वीट करना है। उस रीट्वीट से आपका जो मैसेज है माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा और जितने ज़्यादा रीट्वीट होंगे तो दोस्तों उतना ज़्यादा अपने किसानों को फायदा होगा और शायद सरकार उस लहसुन को इंपोर्ट करने से रोक सके। और जो ईरान का लहसुन है दोस्तों, तो वहाँ पर जो लहसुन है उनकी रेट काफ़ी उनकी रियाल के अनुसार काफ़ी अच्छी हैं, 22,000 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 10 किलो के कितने हो रहे हैं 2,20,000 रियाल। रियाल वहाँ की मुद्रा है, रियाल में बता रहा हूँ दोस्तों, रुपये मत समझ जाना रुपये, क्योंकि इंडिया की करेंसी है तो इंडिया के 1 रुपये के मुकाबले को 567.52 रियाल मिलते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा। वहाँ पर आप घूमने भी जा सकते हो दोस्तों, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ईरान में। और वहाँ पर जो गार्लिक का हार्वेस्टिंग का काम है वहाँ पर काफ़ी लहसुन उत्पादन भी होता है और विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। तो ये थी दोस्तों ईरान की पूरी रिपोर्ट, इसके साथ ही मैं आपको वीडियो में पूरे ही ईरान की मुद्रा और इसके साथ ही जो मैंने वहाँ से जो मेरे फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे बात की है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। किसी प्रकार की कोई फर्जी या ऐसी न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ मैं, हर न्यूज़ को मैं पूरी उसकी डिटेल्स लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उस पर गहराई के साथ लगभग अध्ययन करता हूँ और उसके बाद मैं आप किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे गलत कमेंट्स करते हैं तो मैं उनको वापस कमेंट्स को हटा देता हूँ, लेकिन इस प्रकार के गलत कमेंट्स आप नहीं करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ना देखें कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको हम किसी प्रकार से इस प्रकार से हताहत नहीं करेंगे, वो अपना लहसुन कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ जानकारी हमारे पास जहाँ तक जितनी है वो जानकारी आप तक पहुँचाने की हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो तो उसमें बहुत ही अच्छा, किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वर्तमान समय में अभी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि आप लहसुन का भाव बताइए, लहसुन का भाव बताइए। तो लहसुन की अभी दोस्तों एवरेज भाव सेम ही चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कभी थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही सभी व्यापारियों मंडियों तक ये मैसेज गया कि ईरान का गार्लिक जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होने लगा है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत लहसुन में
डाउन फॉलो देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको जो अगर इस प्रकार से अगर ईरान का लहसुन भारत में इम्पोर्ट होता रहा तो आपको लहसुन के भाव में और तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर सरकार एक्शन लेती है तो फिर उसके बाद किसी प्रकार की कोई तेज़ी का माहौल नहीं बनता है, उससे व्यापारियों को काफ़ी घबराहट होती है। और जो व्यापारी इंपोर्ट कर रहे हैं वो उस गार्लिक पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको 4,000 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वह लहसुन जो ईरान का पड़ रहा है, तो वो इंडिया में अगर 9,000 भी बेचे तो उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लहसुन है, तो 10 और 12,000 तक तो वो लगभग बेच ही रहे हैं, लेकिन कम से कम रेट 8,000 और 9,000 भी बिके तो उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दोस्तों भारत के कितने किसान हैं, करोड़ों किसानों का, अरबों किसानों का नुकसान हो रहा है, ये बात उनके कानों तक जानी चाहिए। उन व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ केवल अपने और केवल अपनी ही भलाई के लिए अपन इंडिया का जो किसान है उसका नुकसान नहीं करें। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि वहाँ की मुद्रा कैसी है और रियाल जो है वो किस प्रकार से 1 रुपये के कितने रुपये मिलते हैं, और जो मैंने व्हाट्सएप पे बात की वो भी मैं आपको पूरी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हैं ईरान गार्लिक रिपोर्ट्स के हमारे जो एक फ्रेंड है वहाँ पर, उनके व्हाट्सएप नंबर हैं और इनको मैंने लिखा कि ई सर गार्लिक एक्सपोर्ट इन इंडिया, तो गार्लिक प्राइस इन ईरान 1 kg हाउ मेनी प्राइस, तो इन्होंने लिखा ही $0.8 पर किलोग्राम। तो मैंने फिर दोस्तों इनको बताया कि ही आल mm साइज गार्लिक रिपोर्ट सेंड प्लीज एंड ईरान गार्लिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया व्हेन इंडियन रुपीस रेट 1 kg गार्लिक प्राइस। तो दोस्तों इन्होंने साइज 5 mm एंड UP बताए, प्राइस ओनली डॉलर में बताए। फिर मैंने इनको वापस आज ही दोबारा से व्हाट्सअप किया है कि रियल प्राइसिंग ईरान रुपीस 1 kg गार्लिक प्राइसिंग रियल प्लीज़, तो 34,000 पर kg गार्लिक इन ईरान करेंसी रियल, ईरान गार्लिक प्राइस $0.8 इंडियन रुपीस 60 पर kg गार्लिक। तो दोस्तों इन्होंने मेरे को वापस, मैंने बताया कि 34,000 रियाल प्रति किलोग्राम क्या वहाँ के लहसुन के रेट हैं, तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि नहीं 22,000 रियाल जो हैं वो वहाँ की मुद्रा के अनुसार 22,000 रुपये प्रति किलोग्राम गार्लिक वहाँ पर ईरान में अभी वर्तमान समय में 5 mm का मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी व्हाट्सएप के ऊपर जो वार्तालाप हुई है उसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स को, लेकिन फिर भी उसने पूरा ही डिटेल्स मुझे लगभग बताया है। इसके अलावा और भी मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी दोस्तों, लेकिन जो ईरान में जो लहसुन है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लहसुन और अच्छे से 3 तरह की क्वालिटी की छटाई की जाती है, सुपर क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, और उनको अच्छे से बॉक्सों में पैक करके सुपर एकदम वाइट गार्लिक जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी ईरान से जो संबंधित रिपोर्ट पूरी गार्लिक की, तो इंडिया के अंदर वर्तमान समय में लहसुन इंपोर्ट हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं जो आपको मैंने जो ट्विटर हैंडल चलाया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करिए और मैंने जो ट्वीट किया है वो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये है मेरा ट्विटर अकाउंट दिनेश चंद पाटीदार @dinesh.c8754370 @NarendraModi। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत में लहसुन का उत्पादन विश्व में दूसरे नंबर पर है, फिर भी भारत में ईरान का लहसुन आयात किया जा रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि ईरान की लहसुन के आयात को बंद किया जाए।
जिससे किसानों के हित में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। दोस्तों तो मैंने ये ट्वीट किया है, आप इस पर जो इस प्रकार से क्लिक करके दोबारा से रीट्वीट कर सकते हैं और लाइक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। बीच में दोनों ही ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं, मैंने क्लिक करके बताया, इसको रीट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री महोदय तक ये संदेश पहुँचाइए ताकि भारतीय किसानों को उनकी लहसुन की उपज का सही दाम मिल सके। दोस्तों तो ये था हमारा प्रयास, और आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस मुहिम को ज़रूर सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें ताकि प्रधानमंत्री महोदय तक यह संदेश पहुंच जाए और आपके आपके गार्लिक लहसुन का सही दाम आपको उचित मिले। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।